ओ गाइस, क्या हाल चाल है? ठीक है, खैरियत से हैं यार। ब्लॉग शुरू करना था सुबह, जब मैंने ना एयरपोर्ट के लिए निकलना था, पर घर से लेट निकला हूँ तो फैमिली भी था, तो क्योंकि ब्लॉग के अंदर फैमिली को तो मैं लेके नहीं आ सकता था, इस वजह से मैंने उसकी एक दो वीडियो शूट की थी जब अपने गाँव से मैं निकला हूँ। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ दुबई एयरपोर्ट पे, मेरी कनेक्टिंग फ्लाइट है यहाँ पे, और यहाँ पे स्टे काफ़ी ज़्यादा ले लिया था मैंने, क्योंकि मेरा था ट्रांजिट का प्लान और ट्रांजिट का फिर कैंसिल हो गया। तो अब सीन ऐसे है कि भाई यहाँ पे होटल वगैरह देखता हूँ, अगर कोई चीप मिल गया तो, अगर महंगा हुआ तो फिर तो ऐसे ही गुजारूंगा। और एक और लड़का मिल गया है जो कि वर्क परमिट पे लंदन में जा रहा है, तो टाइम अच्छा गुजर जाएगा। बाकी जो भी डिफ़िकल्टीज होंगी मैं कोशिश करूंगा कि इस ब्लॉग के अंदर शेयर करूं, और हिथरो पहुंचता हूं लंदन जाके, वहां पे इमिग्रेशन के रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उनका भी मैं बता दूंगा। जो नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं और जिनको कोई मसाइल वगैरह हो, डेफिनेटली उनकी हेल्प हो जाएगी। यार लंबा स्टे लेने का ना बड़ा बहुत ज़्यादा नुकसान है, जलील हो रहे हैं फ़िलहाल। एक ये भाई हैं साथ है, वर्क परमिट पे जा रहे हैं यूके में, और इनका भी स्टे सेम ही है, तो एक बेनिफिट ये हो गया हमारे मिलने का। और बाकी जो भी लोग आ रहे हैं यहाँ पे, तो उनको ये सजेशन ज़रूर करूँगा कि अपना लगेज में तो दे आते हो आप, कुछ ना कुछ सामान ज़रूर ले के आओ, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा हो जाती है एयरपोर्ट पे। इवन जिनका स्पेशली ज़्यादा लंबा स्टे है, कोई जैकेट वगैरह ज़रूर साथ रखो, क्योंकि आप जब जहाज़ में बैठते हो तो तब भी सर्दी होती है, और वैसे भी एयरपोर्ट पे भी एयर कंडीशनिंग सिस्टम बहुत हाई किस्म का भाई इनका। अच्छा, जैसे मैं बता रहा था आपको कि सर्दी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है यहाँ पे, तो मैंने ना टी शर्ट पहनी हुई थी, तो मैंने अभी शर्ट एक और ऊपर से पहन ली है, साथ मैंने रखी हुई थी, तो मुझे लग रहा है कि अभी आधे एक घंटे तक ना मुझे जैकेट भी पहननी पड़ेगी, क्योंकि सर्दी टेम्परेचर जो है ना बहुत ज़्यादा लो चल रहा है यहाँ पर अंदर एयर कंडीशनिंग सिस्टम की वजह से। तो इन चीज़ों को ना ध्यान में रखना है आप लोगों ने भी। अभी रात के 3 बज गए हैं, और अभी ये थोड़ा सा आइडिया हुआ है कि गेट नंबर A24 है हमारा, जहाँ से हमारी जो बोर्डिंग चेक्स वगैरह होंगी, और जो भी मतलब आगे नेक्स्ट फ्लाइट के लिए हमने जाना है कनेक्टिंग फ़्लाइट के लिए, तो यहाँ पे फिर पता चला है कि भाई A24 तो काफ़ी दूर है, और यहाँ पे ये है ट्रेन सिस्टम, तो यहाँ पे ये ट्रेन के हिसाब से मतलब यहाँ ट्रेन जाती है A24 तक, क्योंकि डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है उस लिहाज से यहाँ पे यूज़। अभी मैं वेट कर रहा हूँ ट्रेन का, तो जैसे ट्रेन आती है तो फिर मैं जा रहा हूँ उस तरफ। फाइनली ट्रेन आ गई है, और ट्रेन के अंदर बैठ गए हैं हम, और ये भी एक भाई हैं जो ठंड के साथ जलील हो रहे हैं, ये ना कैमरे के सामने आना नहीं चाह रहे, तो इनकी बात कर रहा था मैं कि इन्होंने अपना सारा लगेज भेज दिया वहाँ पे। अभी भूख बहुत ज़्यादा लग चुकी है, और मैकडोनल्ड का यहाँ ऑर्डर किया है, तो बस वेट कर रहे हैं जैसे ही रेडी होता है, तो बस खाना खाना वगैरह खाएँ, बर्गर ऑर्डर किए हैं 2 7 बाई 1, और इंशाल्लाह बस देखते हैं क्या सीन बनता है। ऑर्डर रेडी हो गया है, और ये आ गई है डील हमारी, बस अब जल्दी जल्दी से खा लें, तो उसके बाद जाना है अपने गेट की तरफ। फाइनली एक लंबे इंतज़ार के बाद 23 घंटे का स्टे था, तो वो ख़त्म हो गया, वो फ्लाइट के अंदर आ गए जो कि दुबई से लंदन के लिए रवाना होने वाली है अभी कुछ ही मिनटों में, और एफ जोन के अंदर हूँ जो कि बिल्कुल फ्रंट पे है, और इसके आगे जो है ना पायलट जहाँ पे बैठते हैं। गुड मॉर्निंग गाइस एंड बॉयज एंड गर्ल्स, जस्ट 3-1 पे हम फॉर लंदन हीथरो, लुकिंग आउट इन द कैबिन वी हैव। पहुंच गया हूँ मैं रूम के अंदर, और बस थकावट बहुत हुई है, नींद भी आई हुई है और भूख भी है, तो अब थोड़ा सा खाना खा के तो सोने का प्लान है, तो इंशाल्लाह जो है ना इमिग्रेशन के रिलेटेड जो है चीज़ें और बाकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, ताकि जो नए आने वाले स्टूडेंट्स हैं उनकी हेल्प हो जाए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।